चलिए बेटा अब यहाँ एक्सप्लेन करते हैं इस टॉपिक में फंक्शन ऑफ द कैटलिस्ट। देखिए अगर हम कैटलिस्ट के फंक्शन की बात करें तो कैटलिस्ट ऐसा क्या करते हैं जिससे किसी रिएक्शन की रेट इंक्रीज या डिक्रीज कर जाती है। तो एक बात नोट कर लीजिए कि जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी एक होती है। एक्टिवेशन एनर्जी अभी हम आगे पढ़ेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं, लोअर कर देते हैं, घटा देते हैं, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं। जब एक्टिवेशन एनर्जी घट जाती है, ये देखिए यहाँ पर मैंने दिखाना चाहा है ई ए, मतलब ए फॉर एक्टिवेशन, ई फॉर एनर्जी और सी फॉर कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, पॉजिटिव कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या होता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी जहाँ ये प्रोडक्ट है इससे यहाँ तक है, ठीक है। अगर कैटलिस्ट नहीं डालते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी ये होती है, तो या निगेटिव कैटलिस्ट डालते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी ये होती है। ध्यान देखिए, ध्यान से सुनिए, मैं क्या बता रहा था कि पॉजिटिव कैटलिस्ट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी एंड द नेगेटिव कैटलिस्ट राइज द एक्टिवेशन एनर्जी। याद रखना एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा होगी। इस रिएक्शन के लिए हम ये कह सकते हैं कि पाथ जो है वो शॉर्ट हो जाता है जब पॉजिटिव कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो जो रिएक्शन का पाथ है वो शॉर्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है, जिससे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जल्दी से कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। जबकि जब कैटलिस्ट अब्सेंट होता है या नेगेटिव कैटलिस्ट होता है तो उस केस में पाथ थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, ठीक है ना, लंबा हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट फेल हो जाता है। तो मैंने यहां पर यही इस ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहा है कि इस जगह पर यह रिएक्टेंट है। अगर ब्लैक वाली जो लाइन है वो कैटलिस्ट की एब्सेंस में रिएक्शन हो रही है, तो क्या हो रहा है कि ई ए मतलब एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द कैटलाइज्ड रिएक्शन, ये ब्लू वाले के लिए। फिर इसको मैंने लिखा ई ए फॉर ऑफ लिखिए ई ए फॉर अनकैटलाइज्ड, ये ब्लैक वाला जो है वो ई ए फॉर अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। क्लियर। फिर ये पाथ जो ब्लैक से दिखाया अनकैटलाइज्ड पाथ, और जब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में पाथ हुआ तो क्या हुआ, ये ब्लू वाला कैटलाइज्ड पाथ। तो इस तरह से कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, पॉजिटिव कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि कैटलिस्ट की प्रेजेंस जो है वो पाथ में क्या चेंजेस कर देती है, पाथ में परिवर्तन ला देती है, पाथ शॉर्ट होते हैं जिससे प्रोडक्ट आसानी से बन जाता है। ऐसे ही समझिए कि जैसे आपको कानपुर जाना है, ठीक है ना, तो आपने कैटलिस्ट डाल दिया, कैटलिस्ट मान लीजिए मनी दे दिया किसी को, तो आपने एरोप्लेन पर बैठ लिया, कहीं से कहीं जाना, तो आपका स्पीड अप हो गया। लेकिन अगर आपने कैटलिस्ट नहीं दिया तो वही पाथ क्या हो गया, आप बाई रोड जा रहे हैं, रोड से जाने की वजह से घूम के इधर उधर से पाथ आपका क्या हो गया, लॉन्ग हो गया, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं, तो इस तरह से इस फंक्शन के बेस पर हम कैटलिस्ट के बारे में ये पॉइंट्स कुछ लिख सकते हैं। सबसे पहला मैंने बताया है कि कोई भी कैटलिस्ट, अब कैटलिस्ट में भी अंडरगो इंटरमीडिएट फिजिकल चेंजेस। कैटलिस्ट सिर्फ क्या करते हैं, इंटरमीडिएट फिजिकल चेंजेस करते हैं, फाइनली चेंजेस कुछ नहीं होते, बीच में रिएक्शन के दौरान जब रिएक्टेंट कैटलिस्ट में बदल रहा होता है तो कुछ चेंजेस होते हैं, एंड इट मे इवन फॉर टेम्परेरी, ये कुछ समय के लिए केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, ये केमिकल बॉन्ड बना लेते हैं इंटरमीडिएट केमिकल बॉन्ड विद द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमीडिएट बॉन्ड बन जाते हैं, बट इट इज द रिकवर अनचेंज इन द ओरिजिनल फॉर्म। जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो ये क्या हो जाते हैं, एट द एंड ऑफ द रिएक्शन ये ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं, एंड ऑफ द रिएक्शन, तो एंड ऑफ रिएक्शन में कोई चेंजेस नहीं होता है, मतलब जब प्रोडक्ट बनता है। दूसरे पॉइंट में मैंने एक्सप्लेन, सेकंड पॉइंट में मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया है, ध्यान से देखिए,
आप पूरा दिख रहा होगा। सेकंड पॉइंट पे मैंने एक्सप्लेन किया कि कैटलिस्ट स्पीड ऑफ द रिएक्शन, जो कैटलिस्ट होते हैं वो किसी रिएक्शन की रेट को स्पीड अप करते हैं, बढ़ा देते हैं, बट इट डज नॉट शिफ्ट द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम। अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है H2+O2 या ऐसे H2+I2 गिव्स आउट, ये वाली ले लो N2 वाली, कोई भी रिवर्सिबल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, N2+3H2 गिव्स आउट, ये रिवर्सिबल दोनों तरफ होती है, तो 2NH3। तो बेटा अगर यहाँ पर हम आयरन कैटलिस्ट डालें तो रेट N2 और H2 मिलकर 2NH3 बना रहे हैं, इसकी भी रेट बढ़ जाएगी और इसकी भी उतनी ही बढ़ जाएगी, तो इसलिए इक्विलिब्रियम पर कोई चेंज नहीं आएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों की रेट इंक्रीज कर जाएगी। दूसरे पॉइंट, तीसरे पॉइंट पे मैंने बताया कैटलिस्ट आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। ये जो कैटलिस्ट होते हैं वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं, इस रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए आयरन जैसा आयरन ही कैटलिस्ट चाहिए, ना कि यहाँ पर MnO2 लग जाएगा या कोई अदर कैटलिस्ट लग जाएगा, है ना, मैंने लिख दिया साइड में, और कैटलिस्ट एनी एक कैटलिस्ट एनी स्पेशल रिएक्शन, अ कैटलिस्ट फॉर स्पेशल रिएक्शन, एक कैटलिस्ट किसी एक स्पेशल रिएक्शन को ही कैटलाइज कर सकता है। फिर मैंने कहा कि कैटलिस्ट डज नॉट चेंज डेल्टा ई, डज नॉट चेंज इन द एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन की एनर्जी में कोई चेंज नहीं कर सकता कैटलिस्ट, मतलब डेल्टा ई ऑफ ई पी, ई फॉर प्रोडक्ट है, ई आर मतलब एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, माइनस रिमेन सेम, ई पी माइनस ई आर रिमेन सेम, ये हमेशा सेम ही रहता है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस हो एब्सेंट हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट पॉइंट में बताया कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट द रिएक्शन, कोई कैटलिस्ट किसी रिएक्शन को इनिशिएट स्टार्ट नहीं करता, ये रिएक्शन अगर कैटलिस्ट ना होता तब भी हो रही थी, बस स्लो हो रही थी, ठीक है ना, तो इनिशिएट नहीं करता, ओनली अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्या करता है, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन में क्या कर देता है बेटा, अल्टरेशन कर देता है। लास्ट पॉइंट आपको नहीं दिख रहा है, हाँ, तो ये क्या कर देता है, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन में अल्टरेशन कर देता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है। लेकिन अगर ये रिएक्शन नॉर्मली हो नहीं रही होती तो कोई कैटलिस्ट डालकर आप इस रिएक्शन को करा नहीं सकते थे, स्टार्ट नहीं कर सकते थे, है ना, दैट मींस कैटलिस्ट किसी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते हैं। क्लियर, चलिए।